आज कुछ समय पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता की है, जिसमें अपने आप को महाफकीर बताया है, मोदी जी से भी बड़ा फकीर, और वो नौकर्स को नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते कि उनके राज में संदूकें भरी हुई हैं और केंद्रीय एजेंसी जो संवैधानिक संस्था है, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे IT हो, उस पर हमला कर रहे हैं। सारे पेपर लीक हुए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का DP जारोली बर्खास्त किया गया, उसे आज तक नहीं पूछा गया। उन्होंने कहा था बड़े नेताओं का हाथ है, तो नेताओं से पूछताछ नहीं की। DOIT में घोटाला है 3,500 करोड़ का, जो खुद मुख्यमंत्री जी ने ACB को जांच के लिए मना कर दिया। हमने कहा CBI से जांच कराओ, वो नहीं कराई। जल जीवन मिशन में जो घोटाला बताया था वो प्रमाणित मिला और कई लोग जेल में हैं। तो जब माइनिंग्स का घोटाला हो, जल जीवन मिशन का घोटाला हो, DOIT का हो, पेपर लीक का हो, या गहलोत के परिवार का हो, सबके पुख्ता प्रमाण हैं। और बार बार CBI से या ED से जांच की मांग की तो मुख्यमंत्री जी ने उसको उचित नहीं समझा। इसलिए ED और CBI जब राजस्थान में घुसती हैं, जैसा कि आज गहलोत साहब ने विरोध किया है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। और गहलोत साहब, आप कितने बड़े फकीर हैं कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। जिस लॉकर पर मैं इनकम टैक्स की टीम को लेकर गया, वहाँ आपकी पुलिस थी। मैंने पुलिस से कहा थी कि ACP बुलाओ, पुलिस ने ही कहा था कि इनकम टैक्स को सूचना देते। पुलिस कमिश्नर की सूचना के आधार पर वह इनकम टैक्स आई थी, हमने ED को कोई सूचना नहीं दी। आप भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं, पर यह दबने वाला नहीं है। गहलोत साहब के राज में करोड़ों रुपए और सोना ये लॉकर उगल रहे हैं, सांसद सचिवालय और योजना भवन में पैसा मिला है। ऐसा भ्रष्टाचार का विभत्सकारी दृश्य कभी भी पैदा नहीं हुआ। इसलिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करते हैं। ये महाफकीर की जो ढोंग है, कुछ ही दिनों में इसकी कलई खुल जाएगी।